हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ मी चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में न्यू वैकेंसी, जो लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड न्यू वैकेंसी आया हुआ है, तो जितने भी कैंडिडेट लॉ के हैं उनके लिए ये वैकेंसी होने वाला है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल वैकेंसी एट सार्क डेवलपमेंट फंडेड, मीन्स असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल वैकेंसी आया हुआ है जो सार्क डेवलपमेंट फंड, डेट मीन्स सार्क के लिए आया हुआ है। और साथ में ये एक बहुत ही बड़ा मौका है, जो लॉ कैंडिडेट होंगे जिनके पास एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। ये नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। एज लिमिट जो इसमें मांगा जा रहा है वो 30 से 40 ईयर्स होना चाहिए। डेट मीन्स पोस्ट नेम जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो कि लीगल के लिए है, और एज लिमिट इसमें 30 से 40 ईयर्स एज लिमिट भी रखा गया है। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो पोसेस अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिपूट रिकोगनाइजेशन, एंड द हायर प्रोफेशनल डिग्री वुड बी एन एडेड एडवांटेज। इट मीन्स जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा लॉ में, जो कि इंटरनेशनल रिकोगनाइजेशन या फिर रिपूटेशन में होगा, और साथ में जिनके पास अगर हायर प्रोफेशनल डिग्री होगा उनके एक तरीके से एडवांटेज में एड किया जाएगा, अगर उनके पास हायर प्रोफेशनल डिग्री है तब। मिनिमम इसमें 10 ईयर का एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस मांगा गया है, जो कि लीगल डिपार्टमेंट में हो, और वो भी रिपोर्टेड नेशनल या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉ फर्म, और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होना चाहिए। साथ में लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग, वेदर लोन और ग्रांट बेस्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन मोर देन वन सार्क कंट्री वुड बी एन एडेड एडवांटेज। डेट मीन्स अगर इसके साथ अगर ये सब जो एडवांटेज में भी लिया जाएगा, अगर इसमें से कोई भी वर्क कैंडिडेट किए होंगे तो उनका एक एडवांटेज होगा सिलेक्शन के प्रोसेस में। साथ में जितने भी सिटीज़न हैं सार्क मेंबर स्टेट के, जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, उनके लिए वो ये सब सारे स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट इसे अप्लाई करेंगे उसका जो स्ट्रॉन्ग रिटेन होना चाहिए, और साथ में जो स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए वो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इंग्लिश में रिटेन भी हो वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डेट मीन्स अच्छा होना चाहिए इंग्लिश रिटेन एंड स्पोकन। चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है, डेट मीन्स हाउ टू अप्लाई। इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है उन्हें रिक्वायर्ड पड़ेगा, डेट मीन्स सबमिट करना पड़ेगा उनके जो एप्लीकेशन, प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि फॉर्म हो गया, CV हो गया, कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, एंड जो है ये सब सारे सेंड करना होगा आपको बाई ईमेल, जो कि info@sdfsec.org पे सेंड करना है, या तो फिर admin@sdfsec.org पे सेंड ईमेल में कर देना है। और साथ में जो ये लेटेस्ट बाय डेट मीन्स 23 अप्रैल 2021 के अंदर ही ये फॉर्म को आपको सबमिट करना है। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप फुल इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं, और ये वैकेंसी 23 अप्रैल 2021 तक ही है लास्ट डेट जो इसका है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और भी वैकेंसी से रिलेटेड और भी जो वीडियो होते हैं अमेंडमेंट रूल से, न्यूज़ से रिलेटेड सारे वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।